नमस्कार, कार्यक्रम भाग्यशाली टोटके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज्यादा मामले आते हैं घर में क्लेश के। कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। घर में इतना अशांति का माहौल हो जाता है कि किसी भी सदस्य का मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में क्या करें? तरह तरह के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। माता पिता, अगर बेटा इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो बहुत तनाव में रहते हैं, बेटी क्रिएट करती है तो तनाव में रहते हैं, और कई बार तो माता पिता के बीच जो झगड़े होते हैं उसके कारण बच्चे परेशान रहते हैं। कई बार सास बहू में भी बहुत विवाद होता है। सास को क्रोध आता है या बहू को क्रोध आता है, इस तरह के तमाम वाक्य मेरे पास प्रतिदिन रोज सामने आते हैं, और मैं तमाम उपाय एक के बाद एक आपको बताता हूं। कुछ लोगों को 100% लाभ होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं, बार बार उपाय किए लेकिन लाभ नहीं हुआ। क्योंकि ग्रहों का भी अपना एक चक्कर होता है, और ग्रह जो है यह सारा खेल करते हैं पूरे जीवन को। तनावपूर्ण जो जीवन होता है उसमें ग्रहों का मामला सबसे ज्यादा मायने रखता है। ग्रहों के असंतुलन के कारण परिवार में क्लेश होता है, अशांति भंग होती है। आज मैं एक ऐसा तांत्रिक उपाय बताने वाला हूं जिसको मैंने कम से कम 1400 लोगों पर अप्लाई किया, उसमें से 1230 लोगों ने मुझसे कहा कि इससे हमें फायदा हुआ है। बहुत साधारण उपाय, दक्षिणावर्ती शंख बाजार में मिलता है, 500 रुपए का आता है सिर्फ। मैं भाव इसलिए बताता हूं आपको कि हिंदुस्तान में धर्म को एक व्यापार बना दिया गया है, कोई लूट ना ले आपको 5000, 10000 और 50000 में आपको दे दे। दक्षिणावर्ती शंख, वैसे घर में शंख होना बहुत जरूरी है, 500 रुपए का आता है अच्छा वाला शंख। अगर चाहेंगे तो 200-250 रुपए भी मिल जाएगा छोटा आपको, लेकिन आप एक बार लेना है, अच्छा लीजिए 500 रुपए का। उसे आप लेकर आइए, गुरुवार के दिन आपको यह शंख खरीदना है, यह ध्यान रखना है आपको। शंख खरीदने के बाद उसमें आप गुरुवार के दिन ही रात्रि में जल भर दें और भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। यदि भगवान विष्णु आपके घर में ना हो तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दें, और अगर श्री कृष्ण भी ना हो तो आप किसी भी इष्ट देव के अपने जिसको आप मानते हैं उनके चरणों में रख दें। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, यह कहकर उसमें जल भर दें। और वह जल जो है प्रातः काल जिस सदस्य को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसको आप पिलाएं। यह क्रम जो है प्रतिदिन करते रहें। रात्रि में जल भरना है, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दक्षिणावर्ती शंख का जो मुंह है यह ध्यान रखना वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जल भर के आप रख दीजिए और प्रातः काल लगातार इस क्रम को जारी रखें। कुछ दिन में देखेंगे कि उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया और घर का माहौल जो है पूरा बदल गया है। एक और महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सटीक उपाय है। इस उपाय को मैंने 2890 लोगों पर अप्लाई किया, जिसमें से 2412 लोगों ने रिजल्ट पॉजिटिव दिए हैं। करना क्या है आपको, पूर्णिमा के दिन कदम का जो पेड़ होता है, कदम का पेड़ आप जानते हैं, बहुत फेमस पेड़ है जिसपे भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे, जिसके नीचे बैठ के बांसुरी बजाया करते थे। गूगल बहुत आसान चीज है, उस पर जाकर टाइप कीजिए कदम का पेड़, तो आपको पता चल जाएगा कदम का पेड़ कौन सा होता है। वैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी रहा हूं। उसके 7 अखंड पत्ते, मतलब एक डगाल आप ऐसी तोड़िए जिसमें 7 पत्ते हैं, उसको तोड़ के पूर्णिमा के दिन जो है आप घर में ले आइए, और जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसके कमरे में बांध दीजिए। और अगर कमरे में नहीं बांध सकते, मजबूरी है कि नाराज ना हो जाए वो, तो आप अपने ड्राइंग रूम में उसे बांध दीजिए किसी भी कोने के अंदर। दिशा का इसमें कोई वो नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। अगली पूर्णिमा तक उसे बंधे रहिए, फिर अगली पूर्णिमा पे ऐसे ही करिए कि वो डगाल निकालिए और बहते जल में छोड़ दीजिए, और फिर कदम की जो है 7 पत्ते वाली अखंड डगाल लाकर बांध दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे घर का माहौल बदल जाएगा। घर में अगर क्लेश होता है तो वह प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। दोस्तों, जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम ही शाश्वत सत्य है।
प्रेम के बिना यह संसार बिल्कुल अधूरा है। और जिस घर में क्लेश होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती, और जिस घर में शांति होती है, प्रेम होता है, वहां माँ लक्ष्मी सदैव विद्यमान रहती है, घर के अंदर कभी पैसे की कमी नहीं होती। दो सटीक उपाय मैंने आपको दिए, आप अजमा कर देखिए। मैंने तो अजमाए, अपने भक्तों को दिए और भक्तों ने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। यदि आप परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा YouTube चैनल है गुरुदेव टीवी, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेरों ऐसे उपाय आपको देखने को मिलेंगे। मेरा Facebook पेज वास्तुगुरु मनीष साई के नाम से, मेरी वेबसाइट जिसपे तमाम चीजें आपको मिलेगी gurumanishsai.com, उसे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर रख लीजिए। जब भी आप क्लिक करेंगे, आपको प्रतिदिन का चौगड़िया, राशिफल, राहु काल, देश के सुप्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, वास्तु के उपाय, तंत्र के उपाय, ज्योतिष के उपाय, आध्यात्मिक उपाय, आयुर्वेद के उपाय, तमाम आपको चीजें मिलेगी और बिल्कुल निशुल्क। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह जरूर है कि आप व्हाट्सएप मैसेज करें, फोन कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हजारों फोन आते हैं, हम अटेंड नहीं कर पाते। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए भाग्यशाली टोटके को लेकर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एवं वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें साई अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन, 156 सहयोग विहार, बावड़िया कला, भोपाल, मध्य प्रदेश। फोन 9617950498, 9425150498।